आगे हमारा गाइड जा रहा है रोहन, वो देखो धीरज जो है मिस कर गया एकदम, ये एकदम मोमेंट को एकदम धीरज आया भी नहीं। हाँ लेकिन अगली बार जरूर आएंगे, एक साथ आएंगे और वो स्पॉन्सर मिनाल कर रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो आज के इस ब्लॉग में ना हम लोग फिर से निकल रहे हैं एक बढ़िया से ट्रिप पे, और ये जो ट्रिप है ना अपने मैं दोस्तों के साथ कर रहा हूँ, जो बचपन के दोस्त हैं सारे, जो लंगोटिया यार हैं उन लोगों के साथ कर रहा हूँ। तो अभी लेकिन अभी एग्जैक्टली कह रहा कि अभी फिक्स नहीं हुआ है कि कौन कौन जाएंगे, लेकिन हाँ अभी हम लोग जरूर जाएंगे और हम लोग प्लान कर रहे हैं मेघालय की तरफ, एक अच्छा सा जगह हम लोग डिसाइड किया है। तो काफ़ी जो है वो प्लान्स हैं, तो चल के आपको बताता हूँ। चलो भाई सभी सब रेडी हो गए अभी। हाँ आंटी बाय बाय। अभी हम लोग यहाँ पे उतरे हैं, थोड़ा खानापुरा भी रुके हैं मृणाल के लिए, तो मृणाल भी आ रहा है अपना स्कूटी लेके। अभी थोड़ा शुभम निकला है, और हाँ बाकी लोग कौन कौन जा रहे हैं मेरे साथ वो भी मैं आपसे मिलाऊंगा आराम से। और अभी फ़िलहाल बाइक का भी पेट्रोल भरना है, और मौसम भी ठीक है गुवाहाटी का। अभी शुभम फ़िलहाल जो है चिप्स खरीद रहे हैं, सो मिलते हैं बाकी लोग से, आपको मैं मिलाता हूँ। सो गाइस मैं जो अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं सब अपने दोस्त के साथ निकल रहा हूँ। क्या बताया? प्रिंस जो है ना सबसे पहले पहली बार हम लोग के साथ एक ट्रिप पे जा रहे हैं, बाइक ट्रिप पे। प्रिंस फर्स्ट है भाई, और ये शुभम क्यों तो लास्ट टाइम उन्होंने ट्रिप किया था वो लॉन्ग जरोंग वाला, वही था। उसके बाद फिर ये दोबारा उनसे ज्वाइन कर रहा है, और फिर से मृणाल। और हमारा मृणाल ये बैग बांध रहा है, क्या हो गया इस बैग को? क्या हो गया? अरे इस बैग मेरा भाई ने गोवा में छोड़ के आ गया, मतलब स्टेप टूट गया। तो ये बैग का क्या करेगा? रिपेयर करूंगा। नहीं बैग कहाँ रखेगा फिर? वही तो मैं बोल रहा था, ये बैग होने से ना मेरा डिक्की में चला था। गाइस मैं जब भी मेघालय जाता हूँ तो मैं नीचे से जाता हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ पे गणेश मंदिर है तो थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है एक लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं तो ये मंदिर से थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं। बाकी थोड़ा सा आगे चल के मुझे जो है पेट्रोल भराना है, और फिर से दोबारा मैं मोटर ब्लॉग इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं शुभम का गोप्रो यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है गोप्रो हीरो 11। आशा करता हूँ कि आपको जो है अच्छा क्वालिटी मिल रहा होगा। सुना है कि जो जहाँ पे हम लोग शिलोंग पे स्टे करने वाले हैं उनका जो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर चुका है शिलोंग के कुछ लोग हैं जान पहचान के रोहन के, तो उसने बात कर लिया, तो वो बता रहे थे कि शिलोंग पे अभी बारिश गिर रहा है। सो होपफुली हम लोग भी सब प्रिपेयर्ड हैं, और मैं अपना टॉप बॉक्स भी लेके आया हूँ, तो अंदर पे सामान जितना भी है वो सेफ रहेगा। बाकी जो है शिवम को भी आगे चल के एक हेलमेट भी खरीदना है उसको। सर ये ठीक है क्या? कितना? 1000 950 कम कर। ये भी रिप्ले है क्या? अभी थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ से पेट्रोल भरा इंडियन ऑयल से, 800 रुपये का पेट्रोल। अरे उसका हेलमेट ढूंढ रहा हूँ। अभी सामने चाय वाला भी टपड़ी मिला है, तो थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। बाकी अब मेरा देख सकते हैं फुल हो चुका है पेट्रोल। अभी थोड़ा देर में जो है इसको मैं भी ज़ीरो कर देता हूँ। और ये रहा रोहन, रोहन का मुझे जैकेट मस्त लग रहा है। ठीक है, तो गाइस ये ज़ीरो हो गया, तो चलते हैं अभी। मैं तो सो के जाऊंगा। वैसे ध्यान से देखना कहीं पहले उखड़ ना जाए वो। सो गाइस अभी निकल गए हम लोग पेट्रोल पंप से, चाय वाय पी लिया यहाँ से। तो अभी सबसे पहला लीड कर रहा है शुभम, मैं बीच पे हूँ, मेरे साथ अभी बैठ गया रोहन, और मीना आ रहा है स्कूटी पे। यहीं पे पूरा फॉग हो रखा है, आई मीन इस समय पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहीं पे पूरा फॉग हो जाएगा, क्योंकि जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शिलोंग क्रॉस होने के बाद जब आप चेरापुंजी साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉग देखने को मिलेगा, पर यहीं पे ही मतलब फॉग दिख रहा है। और ये एक्चुअली आई थिंक फॉग नहीं है, ये आई थिंक क्लाउड्स है। क्या चाहिए?
मैंने एक चीज नोटिस किया पता है, इसका ये जो सारी गार्ड है ना वो टायर से अटका हुआ है, तो ये स्ट्रेच हो रही है, ये ऐसे ऐसे स्ट्रेच हो रही है। और हम लोग का बाइक में क्या है, वो चेसिस से जुड़ा है। तो मेरे सामने जो मेडाल जा रहा है ये फिलहाल स्कूटी पे है, और मोस्टली इसी ने ही जो है वो प्रिंस का लगेज वगेज लेके आए रखा है इसने। और हाँ गाइस, आपको बताना भूल गया कि हम लोग जो है ना इस बार निकले शाम के समय पे। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि शाम के समय पे हम लोग शिलोंग से लौटते हैं, लेकिन इस बार हम लोग शाम को शिलोंग जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5 बज गए, 4:55 हो गया। अभी थोड़ा सा चल के हम लोग को अभी उम्यम मिल जाएगा। एक्चुअली जो मेन प्लान यही था हम लोग का कि हम लोग थोड़ा सा दूर जाएंगे, लेकिन बाकी लोग बोल रहे थे कि पास में चलते हैं, उम्यम लेक के पास चलते हैं, एक बढ़िया सा जगह है। लेकिन हमने सोचा कि बड़ा पानी हम लोग अगर हम जा ही रहे तो काफ़ी पास पड़ता है, वो हम लोग कभी भी कर सकते हैं। तो एक लंबा ट्रिप करते हैं, थोड़ा यादगार रहेगा लोग दोस्तों के साथ, तो इसलिए अभी हम लोग लंबा ट्रिप करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चलेंगे शिलोंग पे। शिलोंग पे हम लोग का हॉल्ट रहेगा रात के लिए, हम लोग वहाँ पे जो है स्टे करेंगे। सो गाइस, अभी पहुंच गए यहाँ पे। तो रोहन ने जो है वो बात किया हुआ था ऑलरेडी, बाइक हम लोग यहाँ पे पार्क करके रखा है। अभी जो है शाम के 5:47 हो गए, तो आसपास जो है काफ़ी कैफ़ेज़ भी हैं, तो खाने पीने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी प्रिंस जो है ना पहली बार हमारे साथ आया, तो कैसा लग रहा है इतना बड़ा लॉन्ग ट्रिप बाइक करके? अभी और बाकी है, ये तो और कुछ नहीं है, ये शुरुआत है। ये रहा रूम। बढ़िया है ना, सब हेलमेट यहाँ पर रख दिया। बाकी ये बिस्तर है, चार लोग सो जाएंगे। अरे ये दिया है ना। हाँ, ये रूम पे आके सो गए सब। हम लोग एक ही बिस्तर पे आज डिसाइड करें, 5 लोग सो जाएंगे आज। मिनाल सोएगा नीचे, मिनाल सोएगा नीचे। अबे एक वो ही है जैसे लास्ट टाइम हमने वो डांस किया था ना। शाम के 8 बज गए और हम लोग निकल रहे हैं। पीछे का जो व्यू है ना काफ़ी मस्त लग रहा है। थोड़ा सा भूख लग रहा है तो सोच रहे कि हम लोग थोड़ा सा जो है अपना दाल चावल खा लेते हैं, जो नॉर्मल भात है। वेदर जो है यहाँ का अचानक चेंज हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ा गर्मी था और अभी अचानक से जो है थे प्रकाश होटल एंड रेस्टोरेंट पे। खाना इनका बढ़िया था और सब लोग ने थाली प्लेट मंगाया, तो काफ़ी अच्छा लगा प्लेट, तो रिकमेंडेड है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, खा सकते हैं। टूथपेस्ट भी ले लिया मैं, रोहन और शुभम ने टूथपेस्ट नहीं लेके आया था, तो ये टूथपेस्ट ले लिया, 20-20 रुपये का पड़ा है। सो अभी शिलोंग के सड़कों पर हैं। आपको पहले रूम दिखाया था, तो हम 5 लोग ना एक ही रूम पे सोने वाले हैं। और नीचे जो है हम लोग ने थोड़ा सा जुगाड़ किया क्योंकि रोहन जो है वो स्लीपिंग बैग लेके आया था, बाकी 3 लोग ऊपर सोएंगे। और ये मृणाल जो है बिना तकिए का सोएगा ना, आदत है क्या? और सही है, लोग पूरा कॉम्फी वो हम लोग एकदम नीचे सोएंगे बढ़िया से। अभी सुबह के बज रहे हैं 8। एक्चुअली हम लोग सुबह को उठ गए थे 7 बजे के आसपास। और आज अभी यहाँ का वेदर देखो गाइस, तो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ना यहाँ से व्यू ही अलग ही दिख रहा है, एकदम बढ़िया पूरा शिलोंग दिख रहा है यहाँ से, और पूरा क्लाउड्स घेरा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ से। और मैं भी यहाँ से रेडी हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा जो है पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। और मौसम भी थोड़ा सा सूखा सूखा है, मतलब बादल को अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ जगह पर बादल घेरा हुआ है, तो बारिश आने का भी थोड़ा सा चांस है। लेकिन देखते हैं अभी आगे चल के इंजॉय करेंगे, बाकी आगे चल के ट्रैक भी होगा और बाकी जगह पे जो है गपशप कर रहे हैं। कैसा रहा नींद, कैसा रहा शुभम? नींद सोने नहीं दिया है सारा, और ये पाद रहा था। मैं रोहन नीचे सो रहे थे, एकदम कोजी लगा हम लोग को। और ये साला कोजी लगा सारे जिला के स्कीम बता दे तो सर। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सुबह के, अभी ऑलमोस्ट जो है 9 बज गए,
और बाकी सब रेडी हो गए यहाँ से और वेदर भी काफी थोड़ा सा ठीक है। सब लोग धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं और अभी हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं तो और मैं पूरा रेडी हो गया हूँ राइडिंग जैकेट के साथ। और फिलहाल शिलोंग का वेदर ठीक है, 22 डिग्री हो रहे हैं सुबह और ये होटल सुबह। जब हम लोग निकल रहे हैं लाई मुखरा से, यहाँ पे हम लोग ने होटल लिया था तो निकलते हैं यहाँ से अभी। चलो और गाइस, जिस डेस्टिनेशन पे हम लोग जा रहे हैं ना, वो डेस्टिनेशन का नाम है म्योर लिविंग रूट ब्रिज और वहाँ पे जाके ना हम लोग को 40 मिनट ट्रैक भी करना होगा। और अभी फ़िलहाल हम लोग का प्लान ये है कि सबसे पहले हम लोग को ढूंढना है खाने के लिए जगह और सुबह से कुछ नहीं खाया हम लोग ने। तो हम लोग थे यहाँ पे सीसा डॉटर्स रेस्टोरेंट पे, अच्छा खाना था, हम लोग ने पूरी सब्जी खाया तो रिकमेंडेड है ये जगह भी। तो ये रोहन भी यहाँ पे पिछली बार आया था तो उसने ये रिकमेंड किया तो खाना अच्छा लगा। और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, सो लेट्स गो। गलती कर दिया था तो आप एक तिनाली टाइप पे आएंगे तो आपको राइट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे नहीं जाना। वहाँ पे एक लिखा रहेगा कि कोंगथोंग विलेज या फिर मोरेम बोल के एक लेक है, तो आपको ना लेफ्ट साइड नहीं जाना, आपको राइट साइड से होके जाना है। तो अभी एक समय पे गूगल मैप्स भी आपको धोखा दे देती है, आपको लोकल से ही पूछ के जाना होता है। तो सो गाइस, अभी हम लोग वामी और वाले रास्ते पे जा रहे हैं और मेरे ठीक राइट साइड पे जो है पूरा फॉग से ढका हुआ एक व्यू है, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा है नीचे। जब फॉग क्लियर हो जाता होगा तो आई थिंक बहुत सुंदर व्यू होता होगा। हाँ सो गाइस, यहाँ पे आपको दो डाइवर्जन मिलेगा। यहाँ से अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप कोंगथोंग विलेज पहुँचोगे। कोंगथोंग विलेज एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे आप आई थिंक रेस्टोरेंट से खाने पीने का सामान आपको मिल जाएगा। और अभी हम लोग को जाना है राइट साइड से, तो राइट साइड से होके हम लोग पहुँचेंगे वामी और पे, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऑलरेडी यहाँ पे कुछ दिन पहले ही आए थे तो उन्होंने बताया था मुझे, फ़ोटो दिखाया था, तो फिर मुझे याद आया कि इसी रास्ते से जाना है हम लोग को। तो चलो लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग ने इतना गंदा रास्ता तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, काफ़ी गंदा रास्ता है, स्पेशली अगर आप मानसून सीजन पे आ रहे हो तो अगर आपके पास थोड़ा अगर पावरफुल बाइक या का स्कूटी नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन रास्ता काफ़ी गंदा है, आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा। और एग्जैक्टली हम लोग को भी कितना रास्ता और बाकी है वो भी पता नहीं कुछ, हम लोग बस नीचे चलते जा रहे हैं। ये रास्ता तो काफ़ी ख़तरनाक है बट इट्स अ रियल एडवेंचर। सो हम लोग ने यहाँ पे बाइक पार्क किया है तो बहुत ही ख़राब रास्ते से आए हम लोग। अभी हम लोग को यहाँ से जो है पैदल चलना है। अभी यहाँ से ट्रैक है आई डोंट नो, बहुत लोग बोल रहे हैं 45 मिनट्स, लेकिन काफ़ी नीचे है और अलग ही मौसम हो रखा है, लेकिन क्या करें, जगह पर आए हैं तो जाना पड़ेगा ही। सो लेट्स गो।
तो गाइस अभी हम लोग का ट्रैक शुरू हो गया है। अभी ट्रैक जो है अभी और 45 मिनट हमें करना है। आगे हमारा गाइड जा रहा है रोहन, वो देखो रोहन को पूरा नॉलेज है। 15 मिनट का ट्रैक रहेगा। हाँ बाकी यहाँ पे थोड़े सांप आप रहते हैं तो थोड़ा बच के, वो बाप रे, जो भी रह सकते हैं तो उन सबसे बच के रहना है। तो आगे ज़्यादा दूर नहीं है अभी। तो जिस किसी भी यहाँ पे आना है रोहन को कॉन्टेक्ट करें और रोहन आपको यहाँ पे एकदम सही सलामत लेके आ जाएगा। तो बहुत ही कम रेट में आपको ये जगह रोहन दिखा देगा आराम से। बट रहेगा कि आप यहाँ पे ना थोड़ा सा ड्राई सीजन पे आना, बारिश के सीजन पे। अब ज़्यादा दूर नहीं है, अभी हमारे से रिवर से बंदा आ रहा है, मतलब अपोजिट साइड पे। हाँ तो गाइस अभी हम लोग बहुत ही आई डोंट नो कौन सा जगह पे आ गए, लेकिन ऐसा फीलिंग भी आ रहा है कि सही जगह नहीं है। और गाइस ये मैंने ऊपर पॉलिथीन अपने सर पे ढक लिया क्योंकि जो मैं रेनकोट लेके आया था इस पे जो है वो हैट नहीं था। और जगह कितना ख़तरनाक है गाइस। बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, बहुत मुश्किल से जा रहा है गाइस, बहुत मुश्किल से। अगर हम नीचे उस जगह तक पहुंच जाए तो काफ़ी ठीक रहेगा हमारे लिए, लेकिन मिल नहीं रहे हैं हम लोग। एटलीस्ट 50 मिनट से हम लोग जो है वॉक कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। और मैंने ये एक्स्ट्रा जो पॉलिथीन लगा लिया क्योंकि ये जो मैं जैकेट लेके आया था ना ये राइडिंग जैकेट है जिसके साथ वो कैप नहीं आता है, तो वो भी मेरे से एक मिस्टेक हो गया। अभी चलते हैं देखते हैं कैसा है, बाकी सब लोग भी आगे चल रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग सोच रहे हैं कि और नीचे नहीं जाएं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा। सो गाइस अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से हम लोग रिटर्न हो जाते हैं क्योंकि रास्ता तो हम लोग दिख रहा है लेकिन काफ़ी नीचे जा रहे हैं क्योंकि ये हमको पता लग रहा है क्योंकि अभी आई थिंक हम लोग पहाड़ के हाफ वे पे है। और रिटर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा, यूट्यूब पे देखा, जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिला वहाँ पे बताया था कि 45 मिनट्स का ट्रैक है, लेकिन 45 मिनट्स नहीं, हम लोग डेढ़ घंटे से नीचे जा ही रहे हैं। अभी अगर हम ऊपर आएंगे तो इससे डबल ट्रिपल टाइम लग सकता है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम रिटर्न हो जाते हैं। और हम लोग ये भी श्योर नहीं है कि हम लोग सही रास्ते से जा रहे कि नहीं, जो वाबमेर का रास्ता है। तो सोच रहे हैं अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके जो प्लान होगा नेक्स्ट वो आपको बताते हैं। सो चलो लेट्स गो। अभी हम लोग वहाँ उस जगह से निकल के काफ़ी दूर आ गए और जो ट्रैक था ना, मतलब हम लोग जो ऊपर नीचे से ऊपर तक आए वो आई थिंक मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे हार्डेस्ट ट्रैक रहा होगा। और आई डोंट नो मैं वो जगह जो है उन लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जो लोग ज़्यादा एडवेंचर एंथुसियास्ट नहीं है, लेकिन जो लोग एडवेंचर एंथुसियास्ट है वो लोग वहाँ पर आ सकते हैं। एक्चुअली डेढ़ घंटे का ट्रैक है, आपको पूरा नीचे तक जाना है। आई डोंट नो हम लोग ने सही जगह पकड़ा कि नहीं, लेकिन फिर भी जो हम लोग ने जगह पकड़ा वो आई थिंक वर्थ होगा क्योंकि नीचे हम लोग को वाटरफॉल दिख रहा था लेकिन हम लोग वहाँ पर तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट हो गया था। अभी साइड में रुके हैं क्योंकि सबको ठंड लग रहा है तो स्वेटर वेटर पहनेंगे। बट एनी वेज ट्रैक काफ़ी मुश्किल था और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं शिलोंग। थोड़ा सा दूर है शिलोंग, आई थिंक 30 या 35 किलोमीटर्स बाकी रहेगा शिलोंग तक, और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो लेट्स गो। तो गाइस गुड मॉर्निंग सेकेंड डे शिलोंग से, और आज जो है हम लोग का ट्रिप ख़त्म होने वाला है। और जो कल हम लोग पूरा ट्रिप जो कंप्लीट नहीं कर पाए थे उसी का ही थोड़ा सा दुख है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग आएंगे तो पक्का वो ट्रैक हम लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे। धीरे जो है मिस कर गए एकदम, ये एकदम मोमेंट को एकदम, ये जो क्या बोलते हैं लेकिन अगली बार जरूर आएंगे, एक साथ आएंगे और वो स्पॉन्सर मिनाल कर रहा है तो मजा आएगा। ऑन रिकॉर्ड हो गया।